chapter 2, that is diversity and discrimination. Student, this is our part first video of this chapter. Now let's start the introduction. Student, in previous chapter you have studied about the meaning of diversity. Student, diversity means the differences in kinds of things or anything. अर्थात किसी भी चीज में भिन्नताएं होना, अंतर होना या किसी चीज में बहुत सारी विविधता का पाया जाना होता है. So today we also try to know the other word discrimination. In generally we know the discrimination means to treat in some other way to anyone. अर्थात किसी चीज को किसी को भी एक अलग तरीके से व्यवहार करना. So student, let's start. You know, in our society, people who are different from others are teased, laughed, or sometimes they are not considered as the part of a society or a group or a certain activity. अर्थात हम देखते हैं अपने समाज में कि जो लोग हम लोगों से अलग होते हैं, जो दूसरों से अलग दिखते हैं, उनके ऊपर प्रायः लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और कई बार उन्हें एक विशेष समूह का या समुदाय का या किसी क्रियाकलाप का हिस्सा उनको नहीं माना जाता है. When such people are treated that manner, they feel hurt, angry, helpless. यानी जब उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये लोग अपने आप में बहुत दुखी महसूस करते हैं, उन्हें कई बार गुस्सा भी आता है. So students, have you wondered why this happens? क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है, क्यों उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है? In this chapter, we try to know the answer of such type of questions, that why some peoples are treated differently in various matters. Now, when you try to know the meaning of the questions, or the when you try to know the answer of the questions, you will see that you find how such inequalities exist in our society. जब आप इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जब इसकी खोज भी करेंगे, तो आप देखेंगे, आप समझेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार का अंतर हमारे समाज में देखने को मिलता है या ये उत्पन्न होता है. Now, move to the topic, that is differences and prejudices. Student, हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस यानी अंतर एंड प्रेजुडिस अर्थात पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह. तो इसके बारे में आते हैं. यू नो, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन वेरियस वेज. हम दूसरों से कई बार भिन्न भिन्न प्रकार से अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द गेम्स वी प्ले और द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट. अर्थात कई बार हम दूसरे लोगों से भाषा के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, खान पान के आधार पर, या जो हम खेल कूद करते हैं, या जो हम त्योहारों को मनाते हैं, उनके आधार पर कई बार हम दूसरों से अलग होते हैं. और जब हम दूसरों से अलग होते हैं, तो इस आधार पर वी ईजिली ट्राई टू नो द डिफरेंसेस. व्हेन यू ट्राई टू नो, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इट ब्रीफली इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगर आप भारत में डाइवर्सिटी को देखना चाहते हैं, विविधता को देखना चाहते हैं, तो आपको इसे इसके बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा. और उसके लिए आपको नीचे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आप बुक में देखें, तो उससे आप इजीली आप इसको जान सकते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है. सो कम टू नो, वी हैव एट मेजर रिलीजन्स विच आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. अर्थात भारत में कुल आठ जो है वो धर्म को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, धर्म को हम लोग मानते हैं.
For example, Hinduism, if you see on the board, Hinduism, Islam, Sikhism, Christianity, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism and Jainism. अर्थात कुल आठ धर्म है, बारी बारी से अगर हम कहें तो आप देखेंगे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। ये कुल आठ प्रमुख धर्म है जो भारत देश में, पूरे देश में हम लोग इसको मनाते हैं या मानते हैं। इसको मानने वाले अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम एट रिलीजन्स वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। इसके अलावा हमारे यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं हैं विच आर द मदर टंग ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन डिफरेंट रीजन्स, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा के रूप में भी होते हैं। वी आल्सो हैव मोर देन 100 डांस फॉर्म्स फॉर्म्स। हमारे यहाँ 100 से अधिक नृत्य के रूप है, अलग अलग तौर तरीके हैं नृत्य करने के या गीत संगीत के। इसके अलावा वी हैव न्यूमरस फेस्टिवल्स। इसके अलावा हमारे यहाँ अनेकों त्यौहार हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। सो येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑलवेज इन द सोसाइटी। हालांकि इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम इन सभी विविधताओं को एक साथ सेलिब्रेट या एंजॉय नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन। फॉर एग्जाम्पल, वी ओनली फील सिक्योर एंड सेफ विथ पीपल हु लुक, हु टॉक, हु ड्रेस, हु थिंक लाइक अस। क्योंकि हम शुरू से बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम पलते पड़ते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे खाना पीना करते हैं, हमारे जैसे वो सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में हम लोग अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं, बजाय कि उन लोगों से जो कि हमारे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इन सच एक्टिविटी, चाहे वो खान पान की बात हो या वेशभूषा की बात हो, भाषा की बात हो या सेलिब्रेट फेस्टिवल्स की बात हो। तमाम तरह चीज़ों को जो हमसे अलग होते हैं उनके बारे में हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। वेन वी मीट अदर पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस इन सच थिंग्स, जो लोग हमसे अलग होते हैं, चाहे वो हमने भी बताया कि भाषा की बात हो, कपड़े की बात हो या सोचने की बात हो, तो हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। वी जनरली मेक एंड सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट देम। तो हम प्राय ऐसे लोगों के बारे में हम एक अलग विचार, एक अलग धारणा बना लेते हैं, एक अलग सोच बना लेते हैं जो कि वो हमसे अलग दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अ साउथ इंडियन पीपल कम्स इन आवर सोसाइटी हुज लैंग्वेज, हुज लुक्स, हुज क्लोथ्स, हुज एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति आता है तो वो देखने से भी थोड़ा बहुत हमारे से उसका कलर अलग होगा, थोड़ा सा उसका वेशभूषा, कपड़ा, भाषा उसके हमसे अलग होगी, तो हम जल्दी उसके साथ कम्फर्टेबल फील नहीं करेंगे, हम उसके साथ आसानी से नहीं अटैच हो पाएंगे और हम उसके बारे में एक अलग तरह की सर्टन एक माइंडसेट, एक एटीट्यूड और एक विचार, एक भावना बना लेंगे और उसी के आधार पर उसके साथ हम बिहेव करना शुरू कर देंगे। नाउ एग्जाम्पल के लिए, वी थिंक दैट विलेजर्स आर एज इग्नोरेंट। अर्थात हम प्राय, हमारी एक पूर्व धारणा है, एक दिमाग में बनी हुई है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अज्ञानी होते हैं। अर्थात गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, ये हमारी एक सोच बन जाती है गाँव के लोगों के बारे में। वाई द सिटी पीपुल एज बेजी एंड मनी माइंडेड। इसके अलावा शहर के लोगों के बारे में ये सोच होती है प्राय कि शहर के लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, उनके लिए पैसा होता है प्रमुख होता है अलग अदर चीज़ों के मुकाबले, एंड दे आर आल्सो लेजी इन बिहेवियर। और इसके साथ उनका जो व्यवहार होता है, स्वभाव है,
ज़्यादा काम धाम करने नहीं चाहते हैं, ऐसा ये माइंड सेट होता है गांव या शहर के लोगों के बारे में। नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी सी सर्टेन पीपल ऑलवेज इन नेगेटिव वे, अर्थात जब हम उस विशेष प्रकार के लोगों को एक निश्चित दृष्टि से देखते हैं और वो भी नकारात्मक रूप में देखते हैं, जब उनके बारे में हम निगेटिव रूप में सोचते हैं, देन वी सीइंग देम एज लेजी स्टिंगी, तो हम उन्हें प्राय आलसी और स्टिंगी अर्थात धूर्त के रूप में उनके बारे में एक विचार बना लेते हैं, एंड देन दिस बिकम्स प्रेजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम, और यही जो हमारी सोच है उनके बारे में वो एक प्रेजुडिस यानी पूर्व धारणा पूर्वाग्रह बन जाता है और उसी को हम लेकर के आगे ढोते रहते हैं। सपोज है अगर कोई अजनबी व्यक्ति हमारे पास आता है और हम पहली बार उससे मिलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं से हमने सुन लिया कि यह व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है या बहुत क्रिमिनल माइंड है, भले ही वो उस तरह का न हो, तो हमारे दिमाग में उसके प्रति हमेशा एक गुस्से वाली या एक क्रिमिनल वाली एक अपराधी वाली छवि जो है वो कैद हो जाएगी और हम उसके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे। जब भी हम उससे मिलेंगे तो उससे बचने का प्रयास करेंगे और उससे सावधान रहेंगे, या लोगों से जब भी मिलेंगे तो उसके बारे में हम ऐसे ही उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह का है, इससे सावधान रहना। तो ये होता है प्रेजुडिस। नाउ इन टर्म्स ऑफ जनरल वर्ड्स द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस, अगर हम प्रेजुडिस को अर्थात पूर्वाग्रह को और ब्रीफली देखें तो प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सीइंग देम इंटीरियर। तो इस प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को निगेटिवली जज करना, अर्थात नकारात्मक रूप में उसको क्या करना, उसके बारे में एक अनुमान लगाना, जज करना और सीइंग देम इंटीरियर, या उसे अपने से कमतर समझना या उसे अपने से निम्न स्तर का समझना, ये होता है प्रेजुडिस या ये होता है पूर्वाग्रह, किसी के बारे में एक नकारात्मक छवि बना लेना और उसको अपने से कम समझना या निम्न स्तर का समझना। नाउ इट इज हैपेंड व्हेन वी थिंक इन वन पार्टिकुलर वे और द बेस्ट वे दैट, अर्थात ये तब होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में एक ही नजरिए से एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं और ये मानते हैं कि यही जो हमारी सोच है वो सबसे अच्छी है इस व्यक्ति के बारे में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट वी डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु डू थिंग्स डिफरेंटली, और यही कारण है कि जो व्यक्ति हमारे से अलग दिखता है, हमारे से अलग व्यवहार करता है या हमारे से अलग क्रियाकलाप करता है, व्यवहार करता है या कपड़े या जो भी चीज़ करता है, हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं या इंफीरियर ट्रीट करते हैं। Now, as a result, we might not respect people who speak different languages or different things other than us. और यही रीजन है कि हम ऐसे लोगों के साथ जो हमारे तरह की भाषा भी नहीं बोलते हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार या पॉजिटिव व्यवहार नहीं करते हैं। For example, we think that English is the best language. हम मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वो सबसे अच्छी भाषा है, और जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के अलावा दूसरी भाषा बोलता है या दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज बोलता है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारी नज़र में वो एक इंफीरियर लैंग्वेज है बजाय कि इंग्लिश के। तो ये प्रेजुडिस माइंडसेट होता है किसी के बारे में पता लगाने का। फॉर एग्जाम्पल वी प्रेजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स ऑल्सो, हम लोगों के बारे में और भी कई तरीके से पूर्वाग्रह रखते हैं, जैसे कि पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, लोगों का धार्मिक जो विश्वास होता है, धार्मिक
स्ट्रांग प्रेजुडिस से बंधे होते हैं, अपने मजबूत रूढ़िवादिता से पूर्वाग्रह से बंधे होते हैं। इस वजह से हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। जल्दी वी आल्सो हार्ट देम थ्रू आवर वेरियस हॉट स्टार्टर एक्टिविटीज, और ऐसा करते हुए कई बार अपने व्यवहार से ऐसे लोगों का दिल भी दुखाते हैं जो कि प्रिजुडिस पे बेस्ड होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। नाउ इफ यू सी द पीपल ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, यू कैन सी द डिफरेंसेस इन देयर लाइफ स्टाइल, इन देयर एक्टिविटीज, एंड ट्राई टू डिफरेंशिएट बोथ विलेज पीपल एंड अर्बन पीपल। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप यू हैव लिसन प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट